Hello student, welcome you all. Today we'll discuss another method of finding regression equations with the help of regression coefficient. अभी हमने past two videos से regression equation with the help of regression coefficient find out करनी start की हुई है और पिछली video के अंदर हमने एक first method इसका discuss out किया था और first method के अंदर हमने actual values of x and y series का इस्तेमाल करके regression coefficients find out किए थे और उसी की help से regression equations find out की थी. आज हम इसका second method discuss out करेंगे और second method है using deviations from actual mean कि अब हम यहाँ पर actual mean से क्या लेंगे, deviations लेंगे. तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एक्सरसाइज का ओवरव्यू दे दूंगी और नेक्स्ट टू वीडियोस के अंदर मैं इसके कोशिश करूंगी टू या थ्री वीडियोस के अंदर इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस आउट कर. तो अब इस मेथड के अंदर हम कैसे रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं वो अब हम डिस्कस आउट करते हैं. देखो, आपको पता ही है हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं दो हैं, वाई ऑन एक्स है और एक्स ऑन वाई. अब एक्चुअल मीन से, या इसको एक्चुअल मीन मेथड भी बोलते हैं, कैसे डेविएशंस हम लेते हैं. एज यू ऑल नो दैट कि जो हमारी फर्स्ट हम डिस्कस आउट करेंगे कौन सा, वाई ऑन एक्स. कि वाई ऑन एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज यू ऑल नो दैट वाई ऑन एक्स कैसे होता है रिग्रेशन कॉफिशेंट के अंदर, रिग्रेशन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होती है. जैसे ली स्क्वायर में y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स था, रिग्रेशन कॉफिशेंट के अंदर रिग्रेशन इक्वेशन कैसे होती है, y माइनस y बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स दैट, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस x बार. और यू कैन से दैट हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ सेकेंड पार्ट में देखो, इधर जो y बार था ये क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, ये दूसरी तरफ ले गए इसको राइट हैंड साइड और इधर आकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो दैट विल बी इक्वल टू वाई बार प्लस बी वाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार. अब यहाँ पर देखो, मैं जो भी एलिमेंट हैं इस इक्वेशन के आपके साथ डिस्कस आउट करती हूँ वन बाय वन करके. अब जो एलिमेंट्स हैं दैट इज एक्स बार वाई बार, आपको पता ही है x बार क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ x, और y बार क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ y. x बार आपने वैसे ही सिंपली निकालना है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, और y बार कैसे निकालोगे, सिग्मा y डिवाइडेड बाय n. क्लियर. अब देखो जो मेन चीज है फॉर्मूला बी वाई एक्स को निकालने का, हर में बी वाई एक्स को निकालने का फॉर्मूला चेंज होगा. जैसे हमने एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज में हमने तीन फार्मूलेज डिस्कस आउट किए थे, एक तो था वही एन डॉट सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. एक हमने वेरियंस की हेल्प से फाइंड आउट करना, लास्ट के जो दो क्वेश्चंस थे एक में वेरियंस की हेल्प से हमने रिग्रेशन कॉफिशेंट फाइंड आउट किया था, और बिल्कुल ही जो लास्ट वाला था उसमें कोवेरियंस से. तो ये हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस आउट कर चुके हैं. अब देखो इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा बी वाई एक्स को निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा स्मॉल एक्स वाई. यहां पर आपने क्या करना है, स्मॉल एक्स वाई निकालना है. अब बी वाई एक्स है दैट मीन्स वाई इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अपॉन में कौन सा आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एलिमेंट्स आते हैं. तो यहां पर क्या आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी विल कैलकुलेट सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा स्मॉल एक्स वाई एंड अपॉन सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर. अब आपने जब मीन भी किया था या और हमने प्रीवियस चैप्टर जैसे कोरिलेशन भी किया हुआ है, यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर विद स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई. अब देखो स्मॉल एक्स हम कैसे निकालते हैं, स्मॉल एक्स का मतलब होता है deviations taken from actual mean, और small x होता है हमारा किसके equal, x minus x bar के equal. On the other hand, y क्या होता है, deviations of y taken from y's actual mean. तो यहाँ पर आप यहाँ पर highlighted area में देख रहे होंगे कि y कैसे निकलेगा,
वाई माइनस वाई बार। तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल मीन एक्स और वाई सीरीज का, फिर उसकी डेविएशंस लोगे, जो भी एक्स सीरीज होंगी, स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार, और वाई स्मॉल वाई कैसे निकलेगा, वाई माइनस वाई बार। अब यहाँ पर देखो बी वाई एक्स क्या थे, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई क्या है, सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स निकाल लोगे स्मॉल वाई निकाल लोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आएगा, जो स्मॉल एक्स निकला है उसका स्क्वायर करोगे और उसका क्या कर दोगे, टोटलिंग कर दोगे। ये तो था। और फिर ये सब चीज़ें निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो ऊपर रिग्रेशन इक्वेशंस दी हुई थी, सॉरी रिग्रेशन इक्वेशंस दी हुई थी, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दोगे, सारी की सारी वैल्यू को पुट कर दोगे। जब आप इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स आ जाएगी। अब देखो सेकंड जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है वो कौन सी है, एक्स ऑन वाई। अब एक्स ऑन वाई है तो वही है रिग्रेशन इक्वेशन का क्या फॉर्म, मतलब हम रिग्रेशन इक्वेशन कैसे लिखते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई ब्रैकेट स्टार्ट वाई माइनस वाई बार। एक्स ऑन वाई है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा आएगा, बी वाई एक्स आएगा। आप देखो हम एक्स बार को इस तरफ ले गए, इधर माइनस हो रहा था, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस बी एक्स वाई ब्रैकेट स्टार्ट वाई माइनस वाई बार। नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, मेन चीज मेन यहाँ पर है कि बी एक्स वाई जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, एक्स ऑन वाई को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, ऊपर तो देखो दोनों का सिग्मा स्मॉल एक्स वाई का ही टोटल आएगा, सबमिशन आएगा। अब एक्स ऑन वाई है, वाई के बेसिस पर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई स्क्वायर, और अगर वाई बी वाई एक्स है तो उसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा स्मॉल वाई स्मॉल एक्स स्क्वायर। अब सेम है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कैसे निकलते हैं, स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार, और अगर बात की जाए किसकी, वाई माइनस वाई बार की, तो वाई माइनस वाई बार हमारा वाई स्मॉल वाई कैसे निकलता है, वाई माइनस वाई बार, दैट मीन्स डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। फिर वो ही हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वाई एक्स आ जाएगा। जब बी वाई एक्स है, हमने पहले से ही क्या किया हुआ है, कंप्यूट किया हुआ है, क्या क्या, एक्स वाई कंप्यूट किया हुआ है, ठीक है, सॉरी हमने x बार कंप्यूट किया हुआ है, हमने y बार कंप्यूट किया हुआ है, बी एक्स वाई कर लिया, इसके बेसिस पर हम कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, x ऑन y। क्लियर हो गया। तो गर्ल्स आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस आउट किया है, दोनों इक्वेशंस को डिस्कस आउट किया है, और किस तरह से रिग्रेशन कोएफिशिएंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो सारा हमने डिस्कस आउट किया है। नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस के अंदर मैं क्या करूँगी कि सारे के सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो इसके डिस्कस आउट कर दूँगी, जो इस मेथड के ऊपर बेस्ड हैं, यूजिंग डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन्स। तो तब तक आप अच्छे से फॉर्मूलाज अपने अच्छे से रिवाइज कर लें, जितना पीछे का हमने कर लिया है एक बार सारी की सारी वीडियोज़ को गो थ्रू कर लें। Till then, thank you.